हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपको पहले डॉर्म दिखा चुके हैं और उसके बाद आपको हम दिखाए हैं यूनिवर्सिटी का जो गेम हम खेलते हैं, कैसे गेम खेलते हैं वो भी दिखा चुके हैं। और आज चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैंटीन और यहाँ पे जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर शॉप है वो दिखा रहे हैं। और चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कैसा माहौल है। हम आप दो चीज़ नहीं दिखाएंगे, जैसे कि सुपर शॉप और कैंटीन, हम आपको और चीज़ दिखाने जा रहे हैं, जैसे मेरे कैंपस में क्या क्या चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाई पार्ट हम वीडियो को लेके आएंगे। अभी चलिए आपको दिखाते हैं, लाइब्रेरी दिखाएंगे और कैंपस अंदर क्या कैसे दिखता है, हमारा कैंपस कितना खूबसूरत है। बहुत बड़ा कैंपस है ये, आप भी जानते हैं तीन कैंपस हैं, जो कि जियांगरी वाला कैंपस है, वांग जियांग दूसरा है और तीसरा आदिवासी कैंपस है। अभी जियांगरी कैंपस का हम टूर करा रहे हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉप है, जो कि यहाँ पे आप सिम ले सकते हैं चाइना टेलीकॉम का। ये 150 RMB का मिलता है, जिसमें 300 GB डेटा और 50 GB एक्स्ट्रा भी मिलता है, जो बाहर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंपस में भी वाईफाई है, तो दिक्कत कुछ होता नहीं है हम लोग। अब चलते हैं गाइस सुपर शॉप में। ये हमारे कॉलेज के अंदर ही है सुपर शॉप, और चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेड वगैरह है, इधर केक वगैरह भी है। और आगे आइए, आपको दिखाते हैं ये सुपर शॉप के अंदर क्या आता है। आपको अच्छा लग रहा होगा, आप यहाँ से सामान ले सकते हैं ज़रूरी के लिए। सब चीज़ ज़रूरी की नहीं हो सकती, यहाँ पे कुछ कुछ है जो हम यूज कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक है। और आगे आइए, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे दूध भी है, मिल्क ले सकते हैं। आगे आइए, यहाँ पे थोड़ा चिप्स भी है, इधर केक वगैरह है। और आगे आपको कैसा लग रहा है टूर? आपको हम हलाल कैंटीन, चलिए आपको मैं हलाल कैंटीन दिखाता हूँ, जो कि ऊपर है। वहाँ पे हम लोग नॉर्मली हलाल फूड खाते हैं, जो कि सुबह में मॉर्निंग में 7 से 9 बजे खुलता है, दोपहर में 11 से 1 और शाम में 5 से 7 के बीच खुलता है। काफ़ी ख़राब टाइम हम लोग के लिए है, हम लोग सही से नहीं खा पाते हैं, लेकिन क्या करें, ये रूटीन ही ऐसा कुछ है, तो हम लोग को भी यहाँ पे ऐसे ही मैनेज करना पड़ रहा है टाइम। और चल रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड नहीं होता है, बाहर के मुकाबले कंपेरिजन यहाँ पर सस्ता होता है, जो कि हम लोग खाते हैं कभी कभी, ऐसे नॉर्मली हम लोग बनाते ही हैं, बना के खाते हैं। रमज़ान है गाइस, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और चलते हैं। तो फ्रेंड, आपको जैसा बताया थे कि टाइमिंग का, यहाँ पे 7 से 9 है सुबह में, फिर 11 to 1 है और फिर 5 to 7 है। आइए, यह हलाल कैंटीन है, रमजान चल रहा है, अभी क्लोज है वो, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहीं पे आते हैं, खाते हैं, फिर यहाँ पे हाल से यहाँ पे रहता है फूड, फिर टाइम फूड करते हैं, फिर सामान लेते हैं, फिर पैसे का ये करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अभी कैंटीन से निकलने के बाद हम लोग को नज़र आ गया है कि यहीं पे हम लोग का मेडिकल है, यहीं पे हम लोग कुछ कुछ अगर प्रॉब्लम कुछ हल्का फुल्का आता है तो हम लोग इसी में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं होंगकी चैन, जो कि एक और सुपर शॉप है, जो कि हमारे कॉलेज के अंदर ही है। बहुत सारा सुपर शॉप इसके अंदर है और बहुत सारा यहाँ पे आइटम मिलता है, जो कि हम लोग की ज़रूरत का उतना नहीं है। जो ज़रूरत की चीज़ें हम दिखा रहे हैं पार्ट बाई पार्ट लाते रहेंगे, आप लोग इंतज़ार करते रहिए इसी तरीके से और प्यार देते रहिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ICBC बैंक है, जिससे हम लोग पैसा निकालते हैं, ट्रांजेक्शन यही से हम लोग करते हैं इसी ATM से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैफे है, जो कि हम नॉर्मली यहाँ पे कॉफ़ी पीने आते हैं, जो कॉलेज हमारे कैंपस के अंदर ही है। और यहाँ काफ़ी इंजॉय हम लोग करते हैं, अच्छा लगता है, आप भी आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जो शॉप देख रहे हैं आप, तो ये वाला जो शॉप देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिक है, मतलब कि सिस्टम वाला है, इसमें कोई भी इंसान यहाँ पे रहता नहीं है, आप खुद ले सकते हैं और पे कर सकते हैं और 24 आवर इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो शॉप है ब्रेड शॉप है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी हर वैरायटी का ब्रेड मिलता है यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे एक और बैंक ऑफ चाइना का ATM है, बहुत लंबा क्या है मेरा कैंपस है, घूमते घूमते आप मतलब
दिमाग आपका काम नहीं करेगा इतना बड़ा कैंपस है। एक बड़ी चीज़ यहाँ है देखने के लिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे लगातार, आप बने रहिए राजवी चाइना के साथ। यहाँ पे सेंटर स्क्वायर है जहाँ पे हम नॉर्मली हम लोग फंक्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, यहीं पे सारा फंक्शन होता है। और जो ड्रम हमारा है उसी पे से हम लोग व्यू देखते हैं, यहाँ पे हम लोग वहीं से देख लेते हैं। हम लोग नीचे नहीं आ पाते, सिर्फ फ्लोर पे रहते हैं इसलिए वहीं से देख लेते हैं। कभी कभी आते भी है, जहाँ आपको लगता है आप लोग को कि टाइम है, हम लोग स्टडी के बाद हम लोग यहाँ आते भी है और इन्जॉय करते हैं। आप लोग भी यहाँ आएंगे जब तो इन्जॉय कर सकते हैं। चलिए फिर आपको आगे लेके चलते हैं, अभी दिखाते हैं आगे का। ये जो शॉप सब देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है अपना, आपको नया नया जो टैलेंट है उसको उभारने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ यहाँ फंक्शन होता रहता है। आप भी आएंगे यहाँ पे तो कुछ आप में टैलेंट होगा यहाँ पे शो कीजिएगा, यहाँ पे फंक्शन हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पे आप सिंगिंग का टैलेंट दिखा सकते हैं, जैसे कि ये लड़की दिखा रही है, यहाँ पे आप भी दिखा सकते हैं। आप में कोई टैलेंट हुआ तो यहाँ पे ज़रूर शो करेंगे, और आगे बने रहिए हमारे साथ। ये जो ब्रिज है ये हमारे यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करता है अदर पार्ट को, और यहाँ पे बहुत सारा व्यू है। जो ब्रिज है हम लोग हमेशा यूज करते हैं लाइब्रेरी जाने के लिए, इसी ब्रिज का सहारे हम लोग जाते हैं बाइक से, और यूजुअली आप साइकिल से जा सकते हैं लाइब्रेरी, और बैडमिंटन कोर्ट भी जा सकते हैं यहाँ से, जिमनेजियम भी जा सकते हैं। और इधर यहाँ पे नदी है, रिवर है, देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ के जो मौसम है हमेशा ठंड बना रहता है, अभी पता नहीं कैसे धूप उग गया है, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी खुशखबरी का मौसम है, मज़ा आ रहा है। और तो आप जो ब्रिज के सामने ही देख रहे हैं, इसके पीछे जस्ट पीछे जो बिल्डिंग है, इसमें हम लोग 2019 में मैथ क्लास करने आते थे। यहाँ पे मैथ क्लास होता था, उसके जस्ट पीछे वाला बिल्डिंग में चाइनीज़ क्लास होता था, जो कि हम सुबह में हम लोग आते थे, सुबह में 7 से 9 होता था, तो हम लोग आते थे इसी बिल्डिंग में। और ये बिल्डिंग में हम लोग मैथ क्लास करते थे, जो कि अलजेब्रा चैप्टर पढ़े थे हम लोग, और काफ़ी इन्जॉय किए थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे ब्रिज से हम लोग निकल कर यहाँ पे लाइब्रेरी के पास में आ चुके हैं, क्योंकि लाइब्रेरी हमारा है वो यूजुअली सुबह के 8 बजे से लेकर नाइट के 10 बजे तक ओपन रहता है। आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी से एंट्री कर सकते हैं, और उसके जस्ट पीछे आप लोग चिल कर सकते हैं, बहुत बैठने का जगह है, खाने पीने का जगह यहाँ पे जस्ट काफ़ी रिवर की नज़दीकी है, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। और आप हमेशा आ सकते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ आए तो ज़्यादा नॉइज नहीं करें, शोर शराबा मत करें, और सुबह में 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, रात के 10 बजे तक आप आ सकते हैं और लाइब्रेरी में जा सकते हैं। और पीछे आप यहाँ पे साइकिल या बाइक लगा के आप यूजुअली आ सकते हैं, जो कि हमारे डॉर्मेट्री जांगल कैंपस वाला से आप आ सकते हैं, और ब्रिज क्रॉस करके आप एंट्री यहाँ कर लेंगे। तो ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ हम लोग हमेशा आते हैं स्टडी करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा है, आप आ सकते हैं और लाइब्रेरी का इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि क्लास स्टडी कर सकते हैं। इसके जस्ट पीछे नियर हमारे क्लास होती है यहाँ पे, जो कि हम 2019 में मैथ क्लास आपको पिछले कुछ देर पहले ही बताया है कि हम लोग किए थे, और उसके जस्ट पीछे बुटल वाला बिल्डिंग है, उसमें चाइनीज़ क्लास हम किए थे। और यहाँ पे जो साइकिल आप वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे अली पे या वीचैट के सहारे आप पे कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा ब्लॉग, जो कि हमारे कैंपस का टूर रहा, जो कि पार्ट 1 बाय पार्ट हम लेते रहेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके से आप प्यार देते रहिए हमें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।